अभी हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए, तो नेक्स्ट जर्नी हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो आगे के अब देखते रहिए। चलिए, सो अभी हम निकल रहे हैं पुणे जंक्शन से, ट्रेन अभी जो है स्टार्ट हो चुके हैं और अभी ठीक 7 बज रहे हैं, 7:07 हो रहे हैं सी। तो अब मेरे मम्मी डैडी भी मेरे साथ हैं और जब हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे तो वहां का भी मैं आपको बताऊंगा, सारा अपडेट देता रहूंगा। सो दिस इज़ द वे टू हैदराबाद, ट्रेन स्टार्टेड, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ये मेरा जो सफ़र है, ये जो मेरी जर्नी है ट्रेन की, ये फर्स्ट बार मैंने ट्रेन से सफ़र किया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फिज़िकली इस जर्नी को जो है इंजॉय कर रहा हूँ। ये आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होंगे, ये आवाज़ था, तो थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होंगे और फिर हम जो है लर्निंग के लिए जहाँ जाने वाले हैं मेट्रोपोलिस होटल, उसके बारे में भी जो है हम इंक्वायरी करेंगे। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मेरे डैडी के जो फ्रेंड है वेंकटेश अंकल, उनके घर पर जो है हम पहुँच गए हैं। दिस इज उनका घर है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जो होटल में जाने वाले हैं हम उसके बारे में भी, और अगर हम होटल में रहने वाले या फिर पीजी में रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट, सो सी यू आफ्टर द ब्रेकफास्ट, सो लेट्स गो फास्ट। मैं पहुंच चुका हूँ मेट्रोपोलिस, ये देखिए मेट्रोपोलिस होटल में मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ और अभी हम जाने वाले हैं अंदर और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे चलती है हमारी ट्रेनिंग। दिस इज द होटल, सो इट विल बी अमेजिंग। लर्निंग होना चाहिए, आप लोगों को सिर्फ लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने और मेरी मम्मी ने मेरे अब्बू को और मेरे बड़े भाई को हमने जो है छोड़कर, हमारे पुणे शहर को छोड़कर हम जो है दूसरे सिटी में दूसरे स्टेट में आ गए हैं हैदराबाद जस्ट फॉर लर्निंग। दिस इज ऑल
हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वापस आप लोगों के सामने। और आज जैसे कि हमारे इस इंग्लिश हाउस एकेडमी का फेयरवेल था, तो आज हमारे बीच एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर और बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, परेशान अन्ना, जिनका असल नाम नेमत अली है। जबरदस्त बोल रहे हैं, देखो इनका बोलने का तरीका है, मैं माइक खामोश हो गए, उतना जबरदस्त बोलते हैं। और इनका आजकल के बच्चे फोन में पबजी गिबजी खेल रहे हैं, मगर ये जो आई ना बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपना फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना फोन का इतना जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इनके पास जो टैलेंट है वो टैलेंट बता रहे कि आप भी सुन के आप भी देख के बहुत ही इंस्पायर हो सकते हैं। इनको फॉलो करिए अनस के वीडियोस को, और आप भी ऐसी चीज़ों को वायरल करते रहना, अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, आज के इस ग्रैंड कॉन्वोकेशन में मुझे जो है अवार्ड्स मिले हैं, टोटल 6 अवार्ड्स हैं, और इसमें से 2 अवार्ड्स मेरे मम्मी डैडी को भी मैंने जो है ऑनर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और एक ऐसा अवार्ड है जो अगर आप बड़ा सा एक अवार्ड देख सकते हैं, वो अवार्ड का नाम है जेम ऑफ द वर्कशॉप, जिसका मतलब है कि कोई एक ही होता है वर्कशॉप में जो कि मुझे मिला हुआ है। सो इसलिए मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही ग्रैंड कॉन्वोकेशन का ग्रैंड डे रहा, और आप लोग देख सकते हैं मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी बैठ गई है, क्योंकि आज का जो एंकरिंग थी, आज की कल फेयरवेल की जो एंकरिंग थी वो सारी मैंने की थी, तो इसलिए लोगों में जोश भरने के लिए मेरे गले का जोश कम हो गया है। इसलिए इफ़ यू डोंट माइंड, सो आई जस्ट वॉन्ट से दैट नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ।